भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सरदारपुर तहसील के अंतर्गत ग्राम रिंगनौत के जनजाति सीनियर बालक छात्रावास में आज सुबह करंट लगने से 12वीं के 2 छात्रों की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही मृतक छात्रों के परिजन पहुंचे छात्रावास। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन भी आया हरकत में। सहायक आयुक्त ब्रजकांत शुक्ला भी पहुंचे छात्रावास। इस घटना को लेकर राजनीति भी गरमाई। क्षेत्र के वर्तमान व पूर्व विधायक हुए आमने सामने। आज सुबह करीब 7:30 बजे ग्राम रिंगनौत में जनजाति सीनियर छात्रावास में करंट लगने से 2 छात्रों की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि आज सुबह छात्रावास परिसर में बनी पानी की टंकी से पानी लेने के लिए 2 छात्र गए थे, जहां विद्युत केबल के करंट की चपेट में आने से दोनों छात्रों की मौत हो गई। इसी दौरान छात्रावास में पानी भरने आए एक ग्रामीण ने छात्रावास के छात्रों को सूचना दी, जिसके बाद दोनों छात्रों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक छात्र विकास पिता संग्राम सिंह निनामा निवासी बीलखेड़ी तथा आकाश पिता शैतान निनामा निवासी ग्राम रंगपुरा कक्षा 12वीं के छात्र थे। घटना की जानकारी लगते ही मृतक छात्रों के परिजन भी घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन आया हरकत में। सहायक आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों का छात्रावास पहुंचने का क्रम जारी। छात्रावास की इस घटना को लेकर गंदी राजनीति का खेल भी आरंभ हो गया, जो शर्मसार कर देने वाला दिखाई दिया। आपको बता दें कि घटना की जानकारी लगते ही सरदारपुर के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल के अलावा सरदारपुर के ही भाजपा के पूर्व विधायक वेल सिंह भूरिया भी घटना स्थल पर पहुंचे, जहां दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप के साथ जमकर विवाद हुआ। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबित खान FM की रिपोर्ट। सुबह हम सब उधर नाश्ते घंटे लगे थे, सब नाश्ता करने जा रहे थे। एक काका है जो तले पड़े थे, जो पानी भरने आए, हमने देखा तो 2 लड़के अंदर पड़े, काई में पड़े थे, टंकी में अंदर पड़े। तभी हमने दौड़ लगाई और सब वायर तोड़े और फिर उनको निकाला अंदर से। अच्छा अच्छा, जो दोनों लड़के, क्या लग रहा था, मर गए थे या क्या लग रहा था? ऐसे चलते थे, हमने निकाला था, फिर एम्बुलेंस बुलाया और फिर लेके आया। अच्छा, क्या नाम है दोनों के? विकास और आकाश। अच्छा, कितनी कक्षा में पढ़ते थे? 12th में थे। ठीक है, ये कौन सा छात्रावास है? सीनियर बालक छात्रावास। ठीक है, सुबह कितनी बजे घटना होगी? 7:30। आपका नाम? छात्रावास। अरे बहुत दुखद घटना है कि हमारे 2 बच्चे 12वीं कक्षा के आकाश और विकास करंट लगने से डेथ हो गई है, लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पर और SDM मैम भी हैं और पुलिस प्रशासन भी है और सब लोग, जब जांच होगी फाइनल तभी हम बता पाएंगे, लेकिन हाँ 2 बच्चों की डेथ हुई है करंट लगने से। सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रजकांत शुक्ला है, धार जिले का सहायक है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।